कैसे हैं सब लोग, मेरे सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए क्या होता है, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के बीच एक बहुत ही पतली सी रेखा होती है, बहुत ही पतली सी लकीर होती है। कोई भी इंसान और कोई भी आम इंसान महान बन सकता है, जरूरत किसकी है, सेल्फ रियलाइजेशन की। वो किसी का भी हो सकता है, वो पढ़ाई का हो सकता है, वो व्यक्तित्व का हो सकता है, वो विचारों का हो सकता है, वो कैरेक्टर का हो सकता है, वो स्पिरिचुअल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिस भी इंसान ने ये अटेन कर लिया उसका महान बनना तय है। बिल्कुल, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जो ना सिर्फ ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने बल्कि उसको एक लेवल और ऊपर लेके गए, वो महात्मा बन गए। मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी, हमारे बापू की। बिल्कुल, आज हम इनकी बात करेंगे। और देखिए, बापू के बिना ना ही हमारी इकोनॉमी चलनी है, बिल्कुल ठप है। वर्ल्ड इस समय जिस हिसाब से नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इनकी फिलॉसफी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय तो। और पॉलिटिकल पार्टी तो इनको लेके आती ही आती हैं, भले ताल्लुक हो चाहे ना हो, लेकिन उनको ज़रूर इंक्लूड करेंगे। वो भी सोच रहे होंगे कि भैया मेरा क्या लेना देना, मेरी फिलॉसफी तो पहले तुम लोग समझो, तब मुझे इंक्लूड करो। खैर ये बात अलग है, लेकिन आज हम गांधी जी के बारे में बिल्कुल बात करेंगे। बट देखिए, सबको पता होगा, बेसिक नॉलेज सबको पता ही है। वैसे तो भारत के हम नागरिक हैं, सबको पता है कि गांधी जी ने फ्रीडम मूवमेंट में पार्ट लिया, गांधी जी ने देश को आज़ाद कराया, देश को बनाने की जो आज हमारे भारत है, नए भारत की नींव रखी एक तरह से। ये सब तो ठीक है, लेकिन आज हम एक उनका बिल्कुल अलग पहलू देखेंगे। गांधी जी थे कैसे एक बिल्कुल डरपोक इंसान, जिसको कुछ भी नहीं आता हो, जो बहुत ही डरपोक हो, उसको कुछ भी बोलना हो, एक बहुत ही पुअर ओरेटर, 50 लोगों के सामने अगर उसको खड़ा कर देते थे तो उनके पैर कांप जाते थे, ये सब चीजों को ओवरकम करके वो एक महात्मा बन गया। कैसे ये हुआ, किस तरह से जो उनकी विचारधाराएं थी, उनकी अहिंसा की विचारधारा, उनके उनका जो लव था नेचर के प्रति वो, और सत्य के प्रति और गॉड के प्रति, वो किस तरह से डेवलप हुआ, ये सारी चीजें उनके अंदर आई कैसे, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। फ्रीडम मूवमेंट हम बहुत बाद में देखेंगे, लेकिन आज हम ये चीजें देखेंगे कि आखिर मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा कैसे बन गया। और ये मैं आपको नहीं बताने वाला, बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, नहीं इस गलत फहमी में मत रहिएगा, ये बताएंगे आपको खुद महात्मा गांधी, क्योंकि हम उनकी बुक माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ का रिव्यू करेंगे। ये लेक्चर दो पार्ट में आएगा, ये इसका पहला पार्ट है। ओके, मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं, मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्क्रीन पे आप एक कोट देख रहे हैं निर्बल के बलराम। देखिए ये बुक जो है, ये ऑटोबायोग्राफी है ना, चैप्टर्स में डिवाइडेड है, अप्रॉक्सिमेटली 163 चैप्टर्स हैं इसमें। तो ये निर्बल के बलराम एक चैप्टर है, ये बहुत ही डीप कोट है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। रोंगटे खड़े कर देने वाला इंसिडेंट था मेरे, मतलब जब मैंने पढ़ा था तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे, आई होप आपके साथ भी ऐसा ही हो। यहां पे निर्बल महात्मा गांधी खुद को कहते हैं, और वो बोलते हैं कि जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है, भगवान राम होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, लेट्स गेट स्टार्टेड। कहीं भी मत जाइएगा, मेरे साथ रहेंगे आप, ओके, बहुत मजा आने वाला है इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, रिव्यू ऑन द बुक माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ बाय महात्मा गांधी पार्ट वन, मेरे साथ यानी कि सिद्धांत अग्निहोत्री के साथ। देखिए स्टडी, आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहली तो उनकी जर्नी एक बिल्कुल अलग एंगल की, उनका चाइल्डहुड से लेके उनके एडोलेसेंट से लेके उनका जो भी मतलब जो भी उनके लाइफ में जितनी भी जो इन्फ्लुएंशियल चीज़ें रही हैं वो आज हम देखेंगे, किस तरह से उनके, जैसा मैंने बताया कि विचारधारा डेवलप हुई, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बापू। देखिए जो बुक है ना, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ है भैया, सच के साथ खेलना ना बड़ा मुश्किल होता है। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, आपने कुछ किया उसका रिजल्ट आप देखेंगे। एक्सपेरिमेंट्स विद लाए तो बहुत होते हैं, बहुत लोग झूठ बोलते हैं खुश रहते हैं, लेकिन सच के साथ बहुत मुश्किल होता है। एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ इज द मोस्ट डिफिकल्ट, इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन लाइफ। बापू ने यह किया इसीलिए वो महात्मा है। उनके व्यूज, उनके एक्सपेरिमेंट्स, उनकी फिलॉसफी, टीचिंग्स, पूरी लाइफ अगर इन शॉर्ट हम देखें, ओके, ये एक मिसलेनियस इंफॉर्मेशन है बेसिकली। ये दिस इज फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन, जो भी एग्जाम, ये थोड़ी सी मिसलेनियस इंफॉर्मेशन मैंने डाल दी है इसमें,
जो उनका नाम आपको पता है मोहनदास करमचंद गांधी, करमचंद उनके पिताजी थे, और उनका जो जन्म था वो 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में हुआ था, गुजरात जो इस समय है। उनकी जो मृत्यु थी वो 78 साल में वो स्वर्ग सिधार गए थे 30 जनवरी 1948। रेस्टिंग प्लेस राजघाट, पेरेंट्स, ऑक्यूपेशन, ये एक ओवरव्यू है उनकी लाइफ का। और जो सेक्रेटरी हैं इनके, महादेव देसाई थे, इनका बहुत ही गजब का इनसे रिलेशन था, बहुत मानते थे गांधी जी ने। और जो ये बुक ट्रांसलेट की है ये इन्होंने ही की है, महादेव देसाई ने। ओके चलिए आगे चलते हैं। ये एक फैमिली ट्री है, अगेन दिस इज जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ नॉलेज। वैसे तो गांधी जी के जो फोर फादर्स थे वो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर्स थे, ग्रॉसर्स थे ओरिजिनली। गांधी जी बिलोंग टू अ वेल टू डू फैमिली, वो एक ठीक ठाक फैमिली से बिलोंग करते थे। और गांधी जी के जो दादाजी थे ओटा गांधी, उनके बेटे करमचंद गांधी, उनकी चौथी वाइफ के ये बेटे थे। करमचंद गांधी ने 4 शादियां की थी, जो चौथी वाइफ थी वो थी पुतली बाई, उनके बेटे थे महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी के 4 बेटे फर्दर थे, वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब हम उनके फैमिली के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए, इंडियन माइथोलॉजी का ना एक बहुत ही तगड़ा रिलेशन है। हमारी माइथोलॉजी, पहली बात तो मैं बताता हूं कि ये पूरी फिजिक्स है, ये पूरी साइंस है। धर्म के माध्यम से साइंस को लपेटा गया है और ये सबको परोसा गया है। जो मॉडर्न इन्वेंशन आज हो रहे हैं वो ऑलरेडी 10,000 साल, 5,000 साल पहले हमारे वेदों में लिख के लोग चले गए, ऋषि मुनि, गजब के साइंस। एंशियंट साइंस इज द मोस्ट, इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल साइंस। ये तो हमारी बदकिस्मती कि इस पर रिसर्च नहीं हो रही है, यूरोपियंस ने इसको बर्बाद कर दिया है। लेकिन ये इतनी गजब की साइंस है, क्वांटम मैकेनिक्स से लेकर नैनो टेक्नोलॉजी तक। मैं फिजिसिस्ट हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, ये सच है। बहुत साइंटिस्ट, टेस्ला हो गए, आइंस्टीन हो गए, उन्होंने खुद अपनी जो इंस्पिरेशन है वो यहां से उठाई है। किसी दिन हम एक सेपरेट लेक्चर पे हम बात करेंगे कैसे माइथोलॉजी रिलेटेड है, किस तरह से जो एक एक चीज हम करते हैं, आप हाथ जोड़ते हैं उसका क्या महत्व है, आप पैर छूते हैं उसका क्या साइंटिफिक रीजन है, आप सूरज को जल चढ़ाते हैं उसका क्या साइंटिफिक रीजन है, सब पे बात करेंगे किस तरह से मॉडर्न साइंस रिलेटेड है। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, गांधी जी का यही मानना था। गांधी जी का मानना था कि मैक्सिमम चीजें माइथोलॉजी से निकली और हिंदुइज्म से निकली हुई है मैक्सिमम चीजें, क्योंकि आर्यंस आए थे बेसिकली। आर्यंस ने कि दुनिया को बनाया, अगर आप मोटे मोटे तौर पे देखें तो, हिस्ट्री में अगर जाएं तो ये सारी चीजें माइथोलॉजी से निकली हैं। दूसरी चीज क्या है, देखिए हमारे शास्त्रों में जो अगर आप कंक्लूड करेंगे तो उस हिसाब से जिंदगी जीने के 2 रास्ते बताए गए हैं। पहला जो रास्ता होता है वो भगवान कृष्ण का रास्ता। अब देखिए भैया, कृष्ण भगवान का जो रास्ता होता है ना वो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है। हाँ बिल्कुल, बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता है। कृष्ण भगवान ने हर रूल तोड़े। उनका मानना था कि धर्म स्थापित करने के लिए जो भी करना है, भले ही झूठ बोलना हो बोलो, लेकिन धर्म स्थापित होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ वॉर इज टू ब्रिंग पीस, बिल्कुल। तो उन्होंने हर रूल तोड़े, रूल ब्रेकर थे वो और नटखट थे, शरारती थे, एक आम इंसान का जीवन होता है बेसिकली। तो इसीलिए आप अगर देखेंगे तो कृष्ण भगवान हर घर में बहुत पूजे जाते हैं, है ना। ऑल अदर, अगर वैसे कोई ऑफेंड मैं किसी को नहीं कर रहा हूं, ऐसा कुछ कंपैरिजन नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो कृष्ण भगवान को बहुत पूजा जाता है। दूसरा जो जिंदगी जीने का रास्ता होता है भैया, वो होता है भगवान राम का रास्ता। भगवान राम का रास्ता सीधा रास्ता, इधर उधर नहीं, सीधा, मैन ऑफ प्रिंसिपल, उसूलों से समझौता नहीं, उसूलों पे चलने वाला, बिल्कुल एम्बिशियस, डिटर्मिनेशन, इधर उधर कुछ नहीं, वन वुमेन मैन, एकदम कुछ भी नहीं, मतलब सिर्फ न्याय, सामने न्याय करना है बस। काफी हद तक जो हमारी जुडिशियल सिस्टम है वो भगवान राम पे, हमारी इसी पे ही, भगवान राम के ही रास्ते पे बेस्ड है। अगर आप देखें तो, मैंने बताया ना हर चीज माइथोलॉजी से निकली हुई है। तो गांधी जी का भी जो रास्ता था वो भगवान राम का रास्ता था। आप देखेंगे उनकी मैक्सिमम टीचिंग्स में, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और जो उनकी कोट्स हैं, जो भी उन्होंने भजन, उन मतलब भगवान राम का, जो भगवान राम का नाम है, उनकी टीचिंग्स में हमेशा आपको मिलेगा गांधी जी, क्योंकि वो उनके बहुत बड़े भक्त थे। तो अब हम बात करते हैं उनकी फैमिली की। थोड़ा सा ये एक, मैंने आपको ये सब इसलिए बताया ना क्योंकि ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट है,
जिस हिसाब से हम जैसे जैसे हम लेक्चर में आगे बढ़ेंगे आप खुद देखेंगे कि कैसे कोरिलेट होती है चीजें। अब हम उनकी फैमिली के बारे में बात करेंगे। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उनके फादर जो थे करमचंद, वो थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड थे, बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, एक छोटी सी नौकरी करते थे एक मुंशी की, 5वीं पास थे बट बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थे, गांधी जी उनसे डरते थे। लेकिन उनकी जो माँ थी पुतली बाई, गांधी जी देखिए होता क्या है ना कि वॉट यू सो यू रीप, आप जो बोएंगे वही आप निकालेंगे, है कि नहीं। तो गांधी जी ये जो रिलीजियस बिलीफ है ना ये बहुत ही बचपन से ही उनको डाल दिया गया था। गांधी जी देखते थे कि उनकी माँ जो है वो हमेशा उनकी माता जी हमेशा खाने से पहले प्रेयर करती हैं, वो देखते थे कि वो सबकी वो पेड़ों की पूजा कर रही हैं, वो देख तो एज अ चाइल्ड वो बहुत परप्लेक्स्ड थे कि वो यार ये क्या है, मतलब ऐसा क्यों है। और ही वॉज देखिए एक जो जीनियस होता है ना वो हमेशा चीज़ों को खोजता रहता है, वो उसमें सवाल ढूंढता रहता है कि ऐसा है ऐसा तो क्यों है। तो गांधी जी हमेशा यही करते थे, तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस लेते अपनी माता से थे। तो ये कहना गलत नहीं होगा जो वन ऑफ द फर्स्ट इन्फ्लुएंस था उनकी ज़िंदगी में, सबसे पहले पहले इंसान से जिससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे वो उनकी माँ थी पुतली बाई। ओके, बहुत इंटेलिजेंट लेडी थी, बहुत ही गजब का कॉमन सेंस था उनका। ओके अच्छा, चाइल्डहुड देखिए गांधी जी, देखिए बचपन एक सबसे अच्छा फेज होता है एक किसी की भी जिंदगी में, जो बचपन होता है ना कमाल का फेज होता है। बच्चे बड़े शरारती हो रहे, भैया आज के बच्चे तो बहुत ही शरारती हैं, पता नहीं कौन कौन सी शैतानी करते हैं, इनोवेट करके शैतानी करते हैं, बहुत शरारती बचपन होता है। लेकिन बच्चों के ऊपर ये अच्छा भी लगता है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी गांधी जी का बचपन ऐसा नहीं था। गांधी जी एक बहुत ही शर्मीले किस्म के थे, बहुत शर्मीले थे, कभी वो बचपन में ही उन्होंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी को नहीं मारा, किसी को नहीं पीटा, स्कूल जाते थे, स्कूल से घर, घर से स्कूल, ज्यादा बोलते नहीं थे। और ये शायनेस जो है ना, आप अभी देखेंगे आगे चल के कि ये शायनेस इनकी जवानी तक रही, ये जब तक लॉयर थे तब तक ये बहुत शाय थे। वही तो बता रहा हूं कि सोचिए आप कि एक इंसान मतलब इतनी ज्यादा उसमें कमजोरी है, गांधी जी बहुत बहुत ज्यादा कमजोर थे, तो उनकी कद काठी के फिजिकली बहुत स्ट्रांग नहीं थे, दूसरी बात अंदर से भी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे, और ये गांधी जी खुद बोलते हैं। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपनी इन सारी चीजों को ओवरकम किया। कैसे किया? निर्बल के बलराम, आगे देखेंगे। 13 साल की उम्र में गांधी जी का, देखिए उस समय चाइल्ड मैरिजेस होती थी और दो तरह की होती थी, एक तो तुरंत कर देते थे और एक फिक्स हो जाती थी कि भैया आज है 2 साल बाद करेंगे। तो गांधी जी 13 साल की उम्र में कस्तूरबा से उनकी शादी हुई थी और ये ट्रिपल मैरिज थी, सारे जितने भी कजन्स थे ना साथ में, क्योंकि पैसे बचाने के लिए उस समय ऐसा होता था कि सबकी मैरिज एक सामूहिक विवाह टाइप का हो जाता था। गांधी जी जो थे वो बेसिकली एक बहुत बड़े डरपोक थे, ही वॉज अ कावर्ड। लेकिन कस्तूरबा बहुत अलग कैरेक्टर की थी। कस्तूरबा एक भले ही वो इलिटरेट थी, कस्तूरबा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन गजब का कॉमन सेंस, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत हार्ड वर्किंग और एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी थी। तो इससे गांधी जी बहुत बुरी तरह अट्रैक्ट हो गए थे उनसे। और एक और चीज बताना चाहूंगा कि गांधी जी कभी कस्तूरबा के साथ नहीं रहे। उस समय ये एक तरह से रिवाज होता था कि आप भले ही शादी चाइल्ड मैरिज तो हो रही है लेकिन साथ नहीं रह सकते आप। इवन जब वो इंग्लैंड से वापस आए थे अपनी पढ़ाई पूरी करके, तब भी वो 18 साल तक साथ नहीं रहते, 16 या 17 साल की उम्र में ही आप साथ रह सकते हैं, ऐसा पहले था। और बड़े और गांधी जी अपनी इसमें व्यथा बताते हैं कि वो बोलते हैं कि मुझे कस्तूरबा से बहुत प्यार था, ही वॉज लिटरली अट्रैक्टेड, बट प्रॉब्लम ये थी कि अब उनके साथ तो रह नहीं सकते और ऊपर से उनकी शक्ल तक नहीं दिखती थी। क्यों? क्योंकि इतना वो उस समय सिस्टम होता था कि जो आपका घूंघट है वो बिल्कुल मतलब मुंह आपका नहीं दिखना चाहिए। तो ये बड़ी एक डायलमा था ये गांधी जी के कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं इससे इतना प्यार करता हूँ और इसके साथ नहीं हूँ, तो ये थोड़ा सा उनको बुरा लगता था। खैर ये तो उनका चाइल्डहुड था। अब चाइल्डहुड से बात आती है स्कूलिंग की। देखिए गांधी जी एक अच्छे स्टूडेंट थे, ही वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट। और एक इंसिडेंट मैं बताता हूँ, गांधी जी ने बताया है कि एक बार क्या हुआ था कि इनके स्कूल में इंस्पेक्शन हुआ, अक्सर स्कूल में इंस्पेक्शन होता रहता है, तो एक अंग्रेज आए तो कुछ लड़कों को उन्होंने खड़ा किया और बोला कि इसकी स्पेलिंग लिखो, एक स्पेलिंग उन्होंने बोली। तो अब गांधी जी लिख नहीं पाए,
बट उनके बगल में एक टीचर खड़ी थी, वो उनको प्रॉम्प्ट कर रही थी कि बेटा ये होगा ये होगा, लेकिन गांधी जी ने उनको देखा और इग्नोर कर दिया। क्यों इग्नोर किया? क्योंकि जो जो सत्य था, गांधी जी हमेशा शुरू से ही वो ट्रुथ के साथ रहते थे, उन्होंने अपने सच से कभी, उसूलों से गांधी जी ने अपने कभी समझौता नहीं किया। आपको पता है कि उनका जो रिलेशन था अपने बच्चों के साथ वो बहुत अच्छा नहीं था, हम आगे देखेंगे। उस पर एक मूवी भी बनी है, गांधी करके एक मूवी भी बनी है, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, अक्षय खन्ना उसमें हीरो हैं, हरिलाल उनके एल्डेस्ट सन थे, तो उनसे बहुत अच्छा उनका रिलेशनशिप नहीं था अपने उसूलों की वजह से। भगवान राम का रास्ता इतना आसान नहीं होता है भाई, मैं सच बता रहा हूँ, कृष्ण का रास्ता आसान होता है, भगवान राम के रास्ते में बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं। कैसे आती हैं अभी हम बताएंगे। शबरी के जूठे बेर खाए थे, रियलाइज करना बड़ा मुश्किल है सच में। आजकल तो ज़माना ऐसा हो गया कि कोई इंसान ऊपर तक नहीं बैठाता है बेड को, बेड पे मतलब मान लीजिए कि कोई भी इंसान आपके, सपोज आपका सर्वेंट है, तो वो अगर मान लीजिए वो आ रहा है या आपके घर में काम कर रहा है, तो आजकल तो ऐसा ट्रेंड मैंने देखा है कि वो अगर वो उसको बैठना है तो जमीन में बैठता है, वो ऊपर तक नहीं बैठाता है। लेकिन भगवान राम ने शबरी के जूठे बेर खाए थे, ये रियलाइजेशन कर जब आप करने जाएंगे ना तो बहुत बड़ी बात है, महानता है, इसीलिए ये रास्ता इतना आसान नहीं होता। फिलहाल हम चाइल्डहुड की बात कर रहे थे, तो बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, मतलब अबव एवरेज थे आप कह सकते हैं, लेकिन गांधी जी की हैंड राइटिंग बड़ी गंदी थी भैया। देखिए एक मैं देखिए अब अगेन मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, लेकिन एक कोट है, इंटेलिजेंट पीपल हैव बैड हैंड राइटिंग बिकॉज दे थिंक वेरी फास्ट। अब भैया ऐसा वो ना समझ, अब जिनकी बैड हैंड राइटिंग है वो ये ना समझे कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, ऐसा नहीं है, गुड हैंड राइटिंग हमेशा एक एडवांटेज होती है, लेकिन गांधी जी की हैंड राइटिंग बहुत खराब थी और तो इससे वो थोड़ा सा परेशान रहते थे। वैसे बहुत महान इंसान की, आइंस्टीन हो गए, काफ़ी काफ़ी महान इंसानों की खराब हैंड राइटिंग है, क्योंकि उनके मन में बहुत थॉट्स चलते रहते हैं ना, और जितने थॉट्स चलते हैं वो चाहते हैं कि बस वो लिख दें, इसलिए उनकी हैंड राइटिंग खराब हो जाती है। जब वो स्कूल टाइम में थे, अच्छा कौन बनेगा करोड़पति सब देखते होंगे, मैं आपको गजब की एक बात बताता हूँ, उन एक बार 7 करोड़ का भी एक लेडी 1 करोड़ रुपये जीती थी, तो आई थिंक 7 करोड़ या 1 करोड़ का जो सवाल था, नहीं 7 करोड़ का सवाल था, वो ये था कि गांधी जी जब स्कूल में पढ़ते थे तो कृष्णा शंकर पांड्या एक उनके दोस्त थे, उन्होंने उनको क्या सिखाया। काश ये लेक्चर उस समय पहले आ गया होता, वो अगर ये लेक्चर सुनती तो जरूर इसका जवाब दे देती। तो हुआ क्या था कि ये स्टोरी इस प्रकार की है कि गांधी जी स्कूल में तो एक अच्छे स्टूडेंट थे, बहुत सर्टिफिकेट थे, हर प्लेस में पार्ट लेते थे, बट लैंग्वेज में बड़ी उनको दिक्कत होती थी, स्पेशली संस्कृत, संस्कृत उनको समझ ही नहीं आती थी। तो कृष्णा शंकर पांड्या उनके एक फ्रेंड थे, उन्होंने गांधी जी को पढ़ाया, संस्कृत पढ़ाई, ठीक है, तो उन्होंने संस्कृत पढ़ाई थी, ये एक्चुअली इसका आंसर था। दूसरी चीज ये है कि बचपन से ही गांधी जी को मातृ पिता को वो समर्पित हो गए थे, वो कहते थे कि अगर इस दुनिया में कहीं भगवान है तो मातृ पिता के चरणों में है, माता पिता के। क्यों? हरीशचंद्र और श्रवण कुमार, देखिए हरीशचंद्र उस समय नाटक होते थे, पहले के जमाने जैसे आज तो आप टीवी खोलिया देख लिया, उस समय नाटक होती थी, मंडली होती थी, तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेज होते थे, तो हरीशचंद्र का प्ले उनके शहर में काफी आता था और वो बहुत बार बार देखने जाते थे, और वो बस अपने आप से यही सवाल करते थे छोटे से ही कि हर कोई हरीशचंद्र जैसा सत्यवादी क्यों नहीं हो सकता। वो बहुत सच्चे थे, हरीशचंद्र ने सच्चाई के पीछे अपना राजपाट सब गवा दिया था, लेकिन वो सच का उन्होंने साथ नहीं छोड़ा, जिसकी बाद में भगवान ने उनको इसी वजह से रिवॉर्ड किया। तो कहते थे कि हर एक इंसान, ये दुनिया ही ऐसी होनी चाहिए, एक हरिश्चंद्र की तरह होनी चाहिए, राजा हरिश्चंद्र। श्रवण कुमार का क्या था, श्रवण कुमार के जो, वैसे तो जिनको नहीं पता है एक एडिशन उनको, उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि श्रवण कुमार, देखिए रियलाइज करिए इसको कितनी बड़ी बात है, आजकल के तो लोगों को तो पेरेंट्स के लिए ही टाइम नहीं होता, और इस पर तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी मतलब थोड़ा सा एक चिंता जताई है। तो उनके माता पिता जो थे वो देख नहीं सकते थे, तीर्थ करने का उनको बहुत मन था, तो श्रवण कुमार ने एक ट्रॉली टाइप की बनाई, कंधे पे लादा, एक आगे उन्होंने अपने मतलब दोनों साइड पे उन्होंने अपने माता पिता को बताया, कंधे पे वो तीर्थ कराने ले गए थे। अब एक जगह वो कैंपिंग के लिए रुके, रेस्ट करने के लिए, नदी से, श्रवण कुमार नदी से पानी लेने गए, एक तीर सटाक से आके उनके पैर में लगा और वो वहीं मर गए। वो तीर था दशरथ का, और दशरथ
को इसीलिए उन्होंने श्राप दिया था, श्राप कह सकते हैं एक तरह से, कि जिस हिसाब से मेरे माता पिता सॉरी श्रवण कुमार ने नहीं, उनके माता पिता ने श्राप दिया था। क्या हुआ था कि जब वो तीर लगा था तो दशरथ, जो राजा दशरथ थे भगवान राम के पिता, वो श्रवण कुमार के माता पिता के पास गए और उनको बोला कि ऐसा ऐसा हो गया है, मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। तब उनके माता पिता ने बोला कि जिस तरह से मैं अपने बेटे के लिए रोया हूँ, उसी तरह से तुम भी अपने बेटे के लिए तड़पोगे। भगवान राम को वनवास होता है। देखिए कर्म लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, एवरी एक्शन इज इक्वल टू द रिएक्शन। 10,000 साल पहले हमारे वेदों में लिखा है हर कर्म का एक प्रतिकर्म होता है। मैं इस पर जरूर बात करूंगा एक सेपरेट लेक्चर में कि किस तरह से ये चीज़ें अफेक्टेड है, कैसे हमारे दिमाग से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं और वो यूनिवर्स से मिलती हैं, बिल्कुल बात करेंगे इस पर। फिलहाल एक चीज गजब का मैं आपको कमाल का पहलू बताता हूँ, मजा आ जाएगी आपको। गांधी जी यहाँ पे बताते हैं कि वो शुरू से ही बहुत रिफॉर्मर टाइप के थे। तो वो बोलते हैं कि एक बार उनके जो एल्डेस्ट ब्रदर थे, जो उनके बड़े भाई थे, उनका एक दोस्त था, वो उनका दोस्त बड़ा अमीर था। तो गांधी जी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि यार मैं इसको रिफॉर्म करूंगा। जैसे कभी कभी होता है ना कि आपके एक फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई एक होता है जो थोड़ा सा बिगड़ैल टाइप का होता है, आप बोलते हैं कि यार इसको तो सही रास्ते पे मैं लाऊंगा। अब गांधी जी यहां पे बोलते हैं कि देखिए रिफॉर्मर का जो है, रिफॉर्मर कैन नॉट हैव क्लोज इंटीमेसी विथ हूम ही सीक्स टू रिफॉर्म। आप जिसको भी रिफॉर्म कर रहे हैं ना, जिसको आप सही रास्ता दिखा रहे हो, उससे आप बहुत क्लोज नहीं हो सकते क्योंकि वो आपके सर पर बैठ जाएगा। एक टीचर और एक शिष्य का जो रिलेशन होता है वो वहीं तक ही सीमित रहे, ठीक है। तो गांधी जी क्या कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि उनको रिफॉर्म करने गए, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी गांधी जी खुद रिफॉर्म होके आ गए। जितने कांड हैं दुनिया में गांधी जी ने सब किए। गांधी जी जब उस लड़के के संपर्क में आए, एक बहुत अच्छे इंटेंशन से गए थे उसको रिफॉर्म करने के लिए, लेकिन वो लड़का अगेन इतना इन्फ्लुएंशियल था, इतनी उसकी डायनेमिक पर्सनैलिटी थी, उसने गांधी जी को रिफॉर्म कर दिया। गांधी जी कभी मीट नहीं खाते थे, ही वॉज अ प्योर वेजिटेरियन, वो मीट खाने लगे, बहुत भयानक तरीका मीट खाने लगे। उसके बाद शराब पीने लगे गांधी जी, बहुत छोटी सी उम्र की बात हो रही है, 13-14 साल की उम्र होगी समय गांधी जी की। सिगरेट पीने लगे, यहां तक तो ठीक था, सुसाइड करने चले गए जनाब। अपने दोस्त को लिया, शिव मंदिर गए, उस समय पॉइजन इतनी आसानी से मिलता नहीं था, तो धतूरा, आपको पता होगा धतूरे का पेड़ होता है, भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, धतूरा लिया, बोला कि अब तो मैं अपनी जिंदगी खत्म करूंगा। गांधी जी गए मंदिर में बैठे, धतूरा जैसे ही खाने के लिए वो गए, एक अंदर से आवाज आई, निर्बल के बलराम अगेन, कि बेटा क्या कर रहे हो। और दूसरी बात, गांधी जी कावड़ तो थे ही, तो वो उन्होंने मतलब एक तरह से आइडिया ड्रॉप कर दिया। तो उस इंसिडेंट के बाद गांधी जी कहते हैं कि जो इंसान धमकी, सुसाइड करना इस दुनिया का सबसे मुश्किल टास्क होता है, और जो इंसान धमकी देता है वो धमकी ही देता है, वो क्योंकि जो इंसान अगर आपसे, क्योंकि कई बार होता है ना कि जैसे हमने रिलेशनशिप में देखा होगा या कई जगह की लोग धमकी दे देते हैं कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूं, लेकिन गांधी जी ये कहते हैं कि जो ऐसी धमकी देता है वो कभी करेगा नहीं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट काम होता है। अब क्या था कि ये सारे कांड के, जो भी गांधी जी ने कांड किया, एक फिर उनको रियलाइज होता है कि मैं गलत रास्ते पे हूं, इस गलत रास्ते पे अब मुझे सुधारना है। तो वो क्या करते हैं, वो अपने पिताजी से सारी बातें कन्फेस करना चाहते हैं। उस समय उनके पिताजी की तबीयत बहुत खराब थी, करमचंद गांधी की तबीयत, वो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे थे एक तरह से आप कह सकते हैं, बेड पे थे वो और वो लेटे हुए थे। तो गांधी जी फेस टू फेस तो उनसे बोल नहीं सकते थे, क्योंकि उनको पता था जो लड़का इतना ज्यादा समर्पित हो अपने माता पिता के लिए वो कैसे इसे बोल सकता है। तो उन्होंने कागज में चीजें लिख दी और उनके उन्होंने अपने पापा को दे दिया। और जब उन्हें, जब करमचंद जी ने ये पढ़ा तो बहुत दुखी हुए, बहुत रोए, गांधी जी भी बहुत रोए, दोनों रोए। उसके बाद सब ठीक हो जाता है उसके बाद, लेकिन फिर गांधी जी को ये बहुत ही गजब का एक रियलाइजेशन होता है जो इनके पहले एक्सपेरिमेंट से होता है कि सच, सत्य की ताकत सबसे बड़ी होती है और इससे बड़ा कुछ नहीं है। तो ये सबसे पहला जो एक्सपीरियंस है उनको ट्रुथ का, वो यहां से होता है। उसके बाद जब अच्छा यहां पे एक कोट, मतलब एक पहले पैराग्राफ आपको बताया है कि गांधी जी अपने बारे में बताते हैं कि वो बहुत बड़े डरपोक थे। बचपन में गांधी जी को हर चीज से डर लगता था, उनको अंधेरे से डर लगता था, उनको सांप से डर लगता था, उनको चोरों से डर लगता था, उनको सब चीजों से डर लगता था, वो बहुत कमजोर इंसान थे और बहुत बुली भी हुए इसके कारण। तो एक बार क्या हुआ था कि अब हम उनके पिताजी के इंसिडेंट पे वापस आते हैं कि उनके पिताजी बहुत बीमार थे
और फाइनली जो उनकी मतलब आखिरी सांसें एक तरह से अपनी गिन रहे थे, सबको पता था कि ज्यादा चलेंगे नहीं, लेकिन गांधी जी उनसे बहुत ज्यादा अटैच्ड थे। मीनवाइल गांधी जी क्या करते थे, गांधी जी वॉज अ वेरी गुड नर्स। गांधी जी शुरू से ही अपने माता पिता को समर्पित हो गए थे, तो अपने पिताजी की सेवा उन्होंने बहुत दिल से की। उनकी मरहम पट्टी करना जब वो बीमार थे, उनके पैरों पे मालिश करना, उनका सर दबाना, बहुत सेवा की उन्होंने माता पिता की। इसी का फल मिला उनको, है ना, एवरी एक्शन इज इक्वल टू द रिएक्शन, इसी का फल मिला उन्हें। लेकिन एक रात करमचंद गांधी स्वर्ग सिधार जाते हैं और गांधी जी का इस पर बहुत डीप इम्पैक्ट होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक तरह से उनको गिल्ट रह गया कि मैंने कहीं ना कहीं तो अपने माता पिता के साथ गलत किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट की, इंग्लैंड। देखिए, गांधी जी अब मैट्रिक एग्जाम पास कर चुके होते हैं 1887 में। वो सोचते हैं कि अब आगे क्या। वैसे तो गांधी जी को मेडिकल लाइन में जाना था, लेकिन एक माव जी दवे उनके एक फैमिली फ्रेंड है, वो आते हैं और उनसे बोलते हैं, उनके परिवार वालों से डिस्कस करके बोलते हैं कि यार एक काम करते हैं, आप लोग एक काम करिए, इनको इंग्लैंड भेज दीजिए, वहाँ पे मेरा बेटा है, वहाँ पे उसको सारी हेल्प कर देगा। अब वो उनको लपेटे में लेते हैं, वो कहते हैं कि आप सोचिए कि एक इंसान जो इंग्लैंड गया है, ठीक है, एक इंसान जो इंग्लैंड गया है और वो इंग्लैंड रिटर्न है, इंग्लैंड से पढ़ाई करके आ रहा है बैरिस्टर की, आप सोचिए उसकी भारत में क्या इज्जत होगी, वो तो एकदम पैसों में खेलेगा। तो ये सारी चीजें गांधी जी बहुत अच्छे से समझते हैं और अपने ब्रदर से डिस्कस करते हैं और वो जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं। लेकिन इसका ये उस समय देखिए इतना आसान नहीं था, ये सब चीजें जितना मैं कहने में आसान लग रही है ना, उस समय नहीं था। पूरी कास्ट को, जो उस समय ब्राह्मण कास्ट थी, पता चल जाता है, गांधी जी को बर्खास्त कर दिया जाता है, आउटकास्ट कर दिया जाता है और बोलते हैं कि इससे जो भी बात करेगा वो भी आउटकास्ट है। आउटकास्ट मतलब उनको धर्म से ही हटा दिया जाता है, है ना। तो फिर उनकी जो माता है वो भी बहुत दुखी हो जाती हैं, वो नहीं चाहती हैं। देखिए, जब उनके पिता से वो बहुत ज़्यादा अटैच थे, उसके बाद उनकी माता से बहुत ज़्यादा अटैच थे, तो पुतली बाई को बहुत एक झटका लगता है। वो कहती हैं कि मैं आपको तुमको इंग्लैंड नहीं जाने दूंगी। लेकिन फिर समझ बूझ के सारी चीज़ें करके गांधी जी बोलते हैं कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है, मान जाती हैं वो। लेकिन उनकी एक शर्त होती है, पुतली बाई कहती है कि तुम मुझे 3 प्रतिज्ञा दो मेरे सर पे हाथ रख के। तो गांधी जी उस समय 3 प्रतिज्ञा लेते हैं। पहली प्रतिज्ञा ये होती है कि वो कभी भी मीट नहीं खाएंगे, दूसरी प्रतिज्ञा कभी भी वो वाइन को नहीं छुएंगे, और तीसरी और आखिरी प्रतिज्ञा जो होती है वो कभी भी किसी औरत की तरफ, किसी गैर औरत की तरफ आंख उठा के नहीं देखेंगे। देखिए, इंग्लैंड में क्या होता था ना कि वहां पे बहुत लोग भटक जाते थे, लोग वहां पे आते थे कुछ कह के और पेरेंट्स से झूठ बोलते थे, इनफैक्ट उनकी वाइफ से भी झूठ बोलते थे और बहुत गलत रास्ते पे चले जाते थे, तो इसलिए उन्होंने ये सारी चीजें बोली। ठीक है, अब भैया वो जाते हैं इंग्लैंड। देखिए, इंग्लैंड में वहां पे उनको सीधा सीधा बता दिया गया, यहाँ पे आप तेज नहीं बोलेंगे, यहाँ पे आप सर करके लोगों को नहीं बुलाएंगे, यहाँ पे आप डकार नहीं लेंगे, यहाँ पे आप ये नहीं करेंगे, यहाँ पे आप वो नहीं करेंगे, एक रूल बुक उनको दे दी। गांधी जी बोले, यार ये क्या है। तो गांधी जी जब इंग्लैंड में शुरुआती दिनों में बहुत प्रॉब्लम हुई थी उनको, क्योंकि पहली बात तो ये थी, गांधी जी एक वेजिटेरियन थे, बापू हमारे बिल्कुल भी मांस को हाथ नहीं लगाते थे। लेकिन इंग्लैंड में जो उनका रूममेट था ना, वो बोलता था कि भैया मांस खाओ, पीछे पड़ गया था उनके, नहीं तुमको मांस खाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। तो एक दिन गांधी जी थोड़ी सी बहस करते हैं, वो शांत हो जाता है। लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत, क्योंकि वहाँ पे पूरी सोसाइटी एक तरह का मजाक उड़ाती थी। अगर आप वहाँ पे वेज खाना ऑर्डर कर रहे हैं तो आपकी पूरी सोसाइटी मजाक उड़ाती थी, और वहाँ पे वेजिटेरियन फूड मिलता भी नहीं था, तो गांधी जी को कई बार भूखे पेट सोना पड़ता था, या कभी ब्रेड खा ली, जैम खा लिया। और रातों को वो बहुत रोते थे, अपनी माँ को याद करते थे, कहते थे कि मैं, बहुत ही टफ ईयर्स थे उनके, है ना। और गांधी जी ने बहुत चीज़ें सीखी भी इस दौरान। गांधी क्योंकि उस समय उनको लगा कि यार देखो, अगर मुझे, आप जिस भी देश में रहते हैं ना, सबसे बड़ी चीज़ जो होती है आपको वहाँ के तौर तरीकों को सीखना होता है। तो गांधी जी ने बोला कि अब मुझे यहाँ के तौर तरीकों को सीखना है। गांधी जी ने डांस सीखा, हाँ बिल्कुल, गांधी जी एक डांसर थे, पियानो बजाना सीखा, अलग अलग लैंग्वेजेस सीखी, फ्रेंच सीखी, अपने लाइफ में चेंजेस किए बेसिकली, ताकि वो यहाँ के कस्टम से ढल जाएं।
फाइनली वो चीज़ों को सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब निर्बल के बलराम, मैंने सबसे पहली स्लाइड में ये कोट डाली थी, इसका मतलब क्या है देखिए, ये खुद गांधी जी ने लिखा है कि व्हेन हेल्पर्स फॉल्स एंड कंफर्ट फ्री आई फाइंड दैट हेल्प अराइव्स समहाउ फ्रॉम आई नो नॉट वेयर सप्लिकेशन वर्शिप प्रेयर आर नो सुपरस्टिशन दे आर फैक्ट्स। देखिए गांधी जी यहां पे बोलते हैं, ये कोट का मतलब क्या है ये अब मैं आपको बताता हूं। दो बार ऐसा हुआ गांधी जी की लाइफ में कि उनको रियलाइज होता है कि भगवान है। एक बार कब हुआ था मैं आपको बताता हूं, एक बार हुआ था जो बहुत एक रोंगटे खड़े कर देने वाली स्टोरी है। जब गांधी जी वापस इंडिया आए थे 1915 में, तो उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि वो अपनी पूरा अफ्रीका में बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस लेके आए थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का उनको बिल्कुल सही टाइम लगा था उस समय, सत्याग्रह का, लेकिन वहाँ पे उनको सेटअप तो करना था ना पूरा, तो उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। लेकिन आश्रम ऐसे तो चलेगा नहीं, आश्रम के लिए पैसे चाहिए। अब गांधी जी रिफॉर्मर, वो बेचारे के पास पैसे ही नहीं, वो कभी किसी से फंडिंग नहीं लेते थे, कभी किसी से पैसे नहीं लेते थे। लेकिन वहां गांधी जी की इमेज ऐसी थी कि बहुत लोग उनकी हेल्प करते थे, फंड करते थे उनके आश्रम को अपने को वर्कर के साथ। गांधी जी भाई संत इंसान थे, वो बोलते थे कि देखिए मेरे आश्रम में सब अलाउड हैं, चाहे वो अछूत हो, चाहे कोई भी हो, स्पेशली अनटचेबल्स, अगर वो सही हैं तो मेरे आश्रम अलाउड हैं। उस समय अनटचेबिलिटी बहुत चरम सीमा पे थी, अपने चरम पे थी, और इतना आसान नहीं था। ये बात बहुत लोगों को खटकी, इवन कस्तूरबा ने भी इसका काफ़ी विरोध किया, लेकिन फिर चीज़ें सही। तो उसके बाद क्या होता है, लोग फंडिंग रोक देते हैं उनकी। अब आप खुद सोचिए कि एक आश्रम में 500 हज़ार या जितने भी लोग हैं, उनको खाना खिलाना, उनको मैनेज करना, वो एक इंसान के ऊपर है। फंडिंग आना बंद हो गई, पैसे आना बंद हो गए, कहाँ से वो करेगा। बहुत परेशान थे गांधी जी, इवन दो तीन या चार दिन का उनके पास चीज़ें बची थी, उसके बाद उनको खुद भी नहीं पता था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तब एक रात वो बैठे रहते हैं अपनी कुर्सी पे, एक लड़का दौड़ते हुए आता है उनके पास, कहता है बापू बापू आपसे कोई मिलने आया है। वो जाते हैं, एक कार खड़ी होती है, कार के अंदर एक इंसान, वेल सूटेड बूटेड एक इंसान होता है, ना लेना ना देना गांधी जी को के हाथ में 13,000 रुपये थमाता है और वहाँ से चला जाता है। गांधी जी उसको अपनी ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं देखते हैं। बहुत बड़ी बात थी ये, बहुत ज्यादा बड़ी बात थी ये। तभी गांधी जी ये बोलते हैं कि भगवान तो हैं, अगर आप हार्ट के प्योर हैं, अगर आप मदद कर रहे हैं तो भगवान आपकी मदद करता है। वो भगवान थे, क्या थे, किसके रूप थे, नहीं पता। और ऐसे बहुत लोगों के जीवन में एक्सपीरियंस होते हैं। दूसरे इंसिडेंट वो बताते हैं कि एक बार क्या हुआ था कि वो इंग्लैंड में एक जगह गए थे, मतलब एक अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने गए थे, तो वहाँ पे गर्ल्स भी थी, लड़कियाँ भी थी, काफ़ी लोग थे, तो पार्टी चल रही थी। ब्रिज उस समय बहुत खेला जाता था, ताश का गेम होता है एक तरह का, तो गांधी जी खेल रहे थे, तो उनका एक दोस्त था। अब वहाँ पे क्या है ना कि जब भी आप ऐसे सोशल गैदरिंग्स पे जाते हैं इंग्लैंड में, तो आपको जोक्स क्रैक करने होते हैं, एक उनकी एक बहुत ही अच्छी एक ट्रेडिशन है उनका, ठीक है, तो वो जोक्स क्रैक करने होते हैं। तो वहाँ पे गांधी जी बैठ के जोक्स क्रैक कर रहे थे, लेकिन वो एकदम से बहक जाते हैं और गांधी जी थोड़ा सा आउट ऑफ लिमिट जाके जस्ट वो कुछ उल्टा सीधा बोलने ही वाले होते हैं, तभी उनके अंदर से एक आवाज आती है कि बस करो, हो गया दोस्त, हो गया। तब वो बताते हैं कि उस समय मुझे एकदम से रियलाइज होता है कि मैं कर क्या रहा हूं, ये तो बहुत ही अजीब है। तब गांधी जी को ये रियलाइज होता है। तो ये सारी चीजें थी, निर्बल के बलराम का ये मतलब है, ठीक है। तो इसीलिए गांधी जी बोलते हैं कि जब भी कोई भी इंसान जब बहुत हेल्पलेस फील करता है, कहीं ना कहीं से मदद आ जाती है, ठीक है ना। तो फिलहाल मैं अपने लेक्चर को यहीं तक सीमित करूंगा। आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपको बोला था ये दो पार्ट में है, ये एक्चुअली तीन पार्ट में लेक्चर आएगा। फिलहाल यहाँ तक, ये इंग्लैंड तक गांधी जी का पूरा कारवां यहाँ तक चला है। अपने लेक्चर को मैं यहीं पे पार्ट वन जो है मैं इसको यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लेकिन अगला लेक्चर बहुत ज़बरदस्त होने जाना है।
कहीं मत जाइएगा और मेरे साथ ही रहिएगा। थैंक यू सो मच।